डेथ जोन विच आ बसेरा यार दा दस डग लूगा केड़ा यार दा रेड बत्तियां भी आगे जिथे करन सलामी बिलो जान देने सारे ओह डेरा यार दा बात की जाए अगर टैलेंट की तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को कैसे एक रास्ते पर लेकर जाया जा सकता है वो एक जो मरहला है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि टैलेंट तो है लेकिन उस वो टैलेंट जब सड़कों पर रुलता हुआ आप देखते हैं तो तब जो है वो दुख होता है। तो ऐसा ही एक टैलेंट आपको मिलवाने वाली हूँ जो लाहौर की गलियों में फिरता है और करता वो क्या है उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजेब। शाहजेब क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली क्लीन सेल करता हूँ, उसके बाद मैं पेंट का काम भी करता हूँ। इसके साथ साथ जो टैलेंट जो भी मैंने बात की है वो टैलेंट आपके अंदर जो है उसके बारे में बताएं, वो टैलेंट क्या है? मुझे गाने का शौक़ है, असल में मुझे 8 साल हो गए हैं गाने का शौक़ करते, और मैं अपनी शायरी भी खुद करता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपने क्लीन सेल कर रहा हूँ। गा के क्लीन पे मैंने एक गाना लिखा है, मैं उस गाने को गुनगुनाता अपने क्लीन सेल करता हूँ, लोग एंटरटेन भी होते हैं और मेरे क्लीन भी बिक जाते हैं। ये लाहौर की कौन सी स्पेसिफिकली गलियाँ हैं जहाँ पर आप जाते हैं? ये सड़कें, मार्केट, हर जगह पर आप गुनगुनाते हुए क्लीन जो है वो बेचते हैं? मैं अक्सर लाहौर की गलियों में भी जाता हूँ और सड़कों पे भी, जहाँ मेरा दिल करे मैं जाके गाने लग जाता हूँ और अपने क्लीन सेल करने लग जाता हूँ। अच्छा, गा के लोगों को तो एंटरटेन करते हैं, तो खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपको इस टैलेंट को आगे परवान चढ़ाने के लिए या फिर इसको करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म के लिए कभी ट्राई नहीं किया अगर आप गा लेते हैं? असल में कोई किसी को प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं करता, मैं इंडस्ट्री में गया हूँ लेकिन वहाँ से समझ लें कि मुझे धक्के मार के निकाला गया। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ सिंगर्स ऐसे थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिन्होंने मुझे यही कहा कि शायरी तुम्हारी और नीचे नाम हमारा दे दो तो हम तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं, लेकिन मैंने उनकी इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे सबसे पहले अपना घर देखना था और मेरे घर में डेली बेस पर अगर कुछ जाए तो गुजारा होता है, इसलिए मैं डेली बेस पर अपनी क्लीन सेल करके गुजारा करता हूँ और अपने फ़न को अपने अंदर दफना चुका था। आप अपने घर के वाहिद खुद कफील हैं? जी, मैं अपने घर का वाहिद कफील। अच्छा, जो फन है आपका, आपने कहा है कि आपने उसको अब दबा दिया है, वो आप ऐसे ही गलियों में ही आप गा के कलीन बेचते हुए लोगों को जो है वो एंटरटेन करते हैं और ये फन आपके अंदर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ख़त्म होता जा रहा है? जी बिल्कुल, जब एक चीज़ को किसी चीज़ का वजूद ही नहीं मिलेगा तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, इसी तरह से मैं अपने फन को अपने अंदर दफन कर चुका हूँ, लेकिन आज आपकी टीम ने मेरी आवाज़ बुलंद की, मैं आप सबका शुक्रगुजार। अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अलावा जब आपने आप अपने फन को अपने अंदर मार दिया है, लोगों की सपोर्ट नहीं है आपको, फैमिली की सपोर्ट है आपको? मुझे फैमिली की पूरी सपोर्ट है, मेरी फैमिली मुझे पूरी सपोर्ट करती है कि आप किसी ना किसी दिन, उनको भी लगता है कि मैं एक मुकाम पे चले जाऊंगा और मुझे भी लगता है, क्योंकि अल्लाह पे जो उम्मीदें हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मुझे अभी तक उम्मीद है कि मैं अपने किसी मुकाम पर पहुँच जाऊँ। अच्छा, वो मुकाम क्या है, क्या देखते हैं, कैसा मुकाम हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं ना, उनमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनको लगता है कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो चुका है, मैं उन सबको पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बाद उन सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान में जो टैलेंट पाया जाता है वो दुनिया की किसी कंट्रीज़ में नहीं पाया जाता। अच्छा, आगे आप किस तरह से देख रहे हैं इसको, इस तरह से क्लीन बेचते हुए गुनगुनाते रहेंगे या फिर कुछ करने का इरादा है? मैं तो क्लीन सेल कर रहा हूँ, गुजारा हो रहा है, लेकिन अपने घर का गुजारा कर रहा हूँ, मेरे अंदर जो फन है मैं उसको एक मुकाम देना चाहता हूँ, एक वजूद देना चाहता हूँ, ताकि मैं किसी प्लेटफॉर्म पे आके सबको बता सकूँ कि मुल्क पाकिस्तान में बहुत टैलेंट। कितने बहन भाई हैं? हम 4 सिस्टर्स हैं, मैं अकेला भाई। और मामा पापा नहीं? कब डेथ हुई? मामा को 7 साल हो गए हैं और पापा को 4 साल हो गए। अच्छा, वो जो आप गुनगुनाते हुए क्लीन बेचते हैं वो थोड़ा सा हमें भी जरा गा कर दिखाएं, और शायरी क्या है आपकी थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें? जी, मैं आपसे शेयर करूँगा। बेचदा प्याए तेरा यार क्लीन, जिंदगी गुजारनी भी हुई पई संगीन, शौक बड़ा गाण दा तरीका नहीं कमाण दा, मेरी जिंदगी च होया प्या फिल्मी जासीन। इस पे मैंने एक रैप भी लिखा है, दसा तानू की मैं वेखो हुण वेचा मैं क्लीन, पैसे हुंदे ते फिर हुंदी मेरी भी जिंदगी हसीन, कदर करदे नहीं फन दी बेफन नू सलाम, इत्थे दौलत वाले करदे ने पैसे नू सलाम, हकदार जिहड़ा होवे उहनू मिले ना इनाम, पैसे वाले पैसे ला के खरीद लैंदे सरेआम। अच्छा, ये जो आपने लाइंस अभी लिरिक्स गाई हैं उसके बाद आपने रैप गाया है, उसमें
कहीं ना कहीं फील ऐसी आ रही है कि एक आदमी जब मुकम्मल तौर पर टूट जाता है, जब उसको कुछ समझ नहीं आता, तो ये उस तरह के आप अपने एक्सप्रेशंस आप बता रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आप शेयर कर रहे हैं, और वो प्रॉपर आपके गाने में नज़र भी आ रही है। बिल्कुल, गाना इंसान बेसिकली जब अल्लाह पाक किसी को लिखने की कोई अकल देता है तो इंसान वही लिखता है जो उस पर बीत चुका होता है, अपने दर्द लिखता है, लेकिन इसको पढ़ने वाला सिर्फ अल्फाज समझ के पढ़ता है। अच्छा, डेली का कितना अर्न कर लेते हैं कलीन बेच के? मैं डेली कलीन बेच के 500 कमा लेता हूँ या 1000 रुपया कमा लेता हूँ। इसलिए मेरा क्लीन बेचना ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी सैलरी पे कहीं तनख्वाह पे काम नहीं कर सकता, क्योंकि डेली बेस पे घर पे गुजारा करने के लिए डेली बेस पे मुझे पैसे चाहिए, जो कि सैलरी पे गुजारा नहीं हो सकता। आप डेली के कितने क्लीन बिक जाते हैं? मैं डेली के बिक जाते हैं 3 या 4 क्लीन बिक जाते हैं। यानी अच्छा, कभी मायूस होते हैं, कभी दिल बुरा होता है कि मेरे पास टैलेंट है, मैं गा सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता सिवाय गलियों में फिरने के और क्लीन बेच? मायूस मैं आज तक नहीं हुआ, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह पे बड़ा यकीन था, और मुझे मेरे अल्लाह पे यकीन था, इसी वजह से आज आप लोग मेरी आवाज़ बुलंद कर रहे हो। मैंने असल में जब अल्लाह पाक ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मैं इंडस्ट्री में गया, मेरी शायरी लोगों को बड़ी पसंद आई, मैंने उसको ही अपने माइंड में रखा, कोई नहीं चले अल्लाह पाक ने मुझे लिखने का हुनर तो अच्छा दिया है ना, आज नहीं कल नहीं किसी ना किसी दिन मैं अपने मुकाम पर ज़रूर आऊँगा। ये हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनकी कहानी सुनी, ये गलियों में कालीन बेचते हैं, गाते माशाल्लाह से बहुत अच्छा हैं, अभी हमने आपको भी सुनाया है, और एक इनकी आवाज़ में वाकई एक फील है जिसको फील करके जो है काफ़ी सारे लोग इनसे एंटरटेन भी होते हैं, और ये गाना अच्छा गा लेते हैं, इनको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है बजाय ये कि ये गलियों में इस तरह से अपने इस टैलेंट को ज़ाया करते रहें। जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं वो इनको ज़रूर सपोर्ट करें, और अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इनकी हेल्प करें। मुझे तो इजाज़त मिलेगी एक नए वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।